गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय सेंट्रल स्कूल एंड कॉलेज। ये वीडियो क्लास आपके लिए है, चैप्टर नंबर 5, नंबर 2, 9999। हम लोग आज प्रैक्टिस 5 करेंगे, जो पेज नंबर 19 पर है। ये वर्क भी आपको बुक में करना है। टॉपिक पर इस वीडियो के नेक्स्ट जो अगला वीडियो होगा उस पर कॉपी वर्क। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 10। अब नियरेस्ट 10 क्या होता है, ठीक है, मतलब हमको कोई भी नंबर दिया हो तो उसको हमको नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ मतलब नियरेस्ट 10 के रूप में लिखना है, ठीक है। उसकी एक कंडीशन है, अगर हमारा नंबर 5 या 5 से ग्रेटर है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, 9 तक, ठीक है, 9 है या 10 है, तो हम जो उस वैल्यू को चेक करते हैं उसमें वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, ठीक। अगर नंबर हमारा 1, 0, 1, 2, 3, 4 है तो नंबर में कोई भी चेंज नहीं करेगा। आप देखिए कंडीशन क्या है, कैसे चेक करते हैं, नियरेस्ट टेन चेक करने के लिए हमको वंस वाली डिजिट को चेक करना है। इस डिजिट को हमको देखना है, क्या ये वैल्यू हमारी 5 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। ये वैल्यू हमारी 5 से स्मॉलर है, ठीक, तो सबसे पहले क्या करूँगा, इसको तो 0 लिख दूँगा, ठीक। अगर ये वैल्यू 5 से स्मॉलर है तो इस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक। ये वैल्यू सेम ऐसे ऐसे तो ये 2 हो जाएगी, ये हो गया नियरेस्ट 10, ठीक। नियरेस्ट 10 में चेंज हो गया, मतलब क्या करना है, इस वाली चीज को चेक करना है। यहाँ पे 3 लिखा है, वहाँ पे आप 0 लिख दीजिए, ठीक। और आप ये वैल्यू को चेक करिए कि ये 5 से ग्रेटर है या स्मॉलर, ठीक। तो ये 5 से स्मॉलर है, अगर 5 से स्मॉलर है तो इधर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक। अगर 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक। तो ये हमारी नियरेस्ट इस वैल्यू को चेक करना है, ठीक। ये वैल्यू भी आपने 0 में चेक कर दिया। अब ये वैल्यू देखिए 5 से ग्रेटर है या स्मॉलर, स्मॉलर है तो ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो इस वैल्यू में एक नंबर इंक्रीज कर दिया, 5 में 1 प्लस कर दिया तो कितना आएगा 6, तो यहाँ पर लीजिए 6, तो ये नियरेस्ट 10 है, ठीक। नाउ नेक्स्ट इसी तरह आगे इस वैल्यू को चेक करना है, तो यहाँ पर पहले 0 में चेक कर दीजिए। अब ये वैल्यू देखिए 5 से ग्रेटर है या स्मॉलर, ग्रेटर है तो ग्रेटर है तो इसमें एक नंबर ऐड कर देंगे, 6 में 1 ऐड किया तो क्या हो गया 7, तो इसकी वैल्यू हो गई 7, ठीक। नाउ नेक्स्ट आइए, फिर यहाँ पे इस वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक। यहाँ पे 0 लिख दिया, अब ये वैल्यू 5 से ग्रेटर है कि स्मॉलर, स्मॉलर है, इस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये 9 का 9, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज इस वैल्यू को फिर यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 0 में चेक कर दो, ठीक। अब ये वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो इस नंबर में एक इंक्रीज कर दो, 5 में प्लस करो कितना हो जाएगा, सॉरी 6 में 1 प्लस करो कितना हो जाएगा 7, ये 7 हो गया, इसके आगे 1 लिखा है, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज फिर इस वैल्यू को चेक करो, यहाँ पे 0 में चेक कर दिया, ये वैल्यू 6 से 5 से ग्रेटर है, इस नंबर ग्रेटर है इस नंबर में ऐड कर दो, 8 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ठीक। और आगे वाला नंबर सेम ऐसे 109। नाउ नेक्स्ट इज इस वैल्यू को चेक करो, ठीक, यहाँ पे हो गया 0, ठीक। ये वैल्यू 5 से स्मॉलर है, इस वैल्यू में कोई पीछे नहीं होगा, ये 3 का 3 हो जाएगा और आगे 2 का 2 हो जाएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज फिर इस वैल्यू को चेक करते हैं, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक। ये वैल्यू 5 का ग्रेटर है, इंक्रीज कर दीजिए, 3 में 1 प्लस किया तो 4, ठीक। और आगे की वैल्यू जैसे की है वैसे की वैसे, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज इस वैल्यू को चेक करो, यहाँ पे हो गया 0, ठीक। इस नंबर ये 5 से छोटा है, स्मॉलर है, इस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये 9 का 9 हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इस वैल्यू को चेक करें, ये हो गया 0, ठीक। ये स्मॉलर है तो इस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये 4 का 4 हो जाएगा, आगे 5 का 5, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज इस नंबर को चेक करना है, यहाँ पे 0, अब आपको मैंने बताया था 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो नंबर में ये इंक्रीज करते हैं, ये 5 है, ठीक। पिछले 6 में 1 प्लस करो तो 7, ठीक। और आगे का नंबर सेम है, 600
ये क्वेश्चन आपको ये करना है ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड नहीं करना है, ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं करना है उसमें, उसको क्रॉस कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर फोर आता है, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, फोर क्वेश्चन है राइट द नंबर इन द करेक्ट कॉलम, ठीक, यहाँ पे कुछ नंबर दिए हैं इनको आपको हमको इवन नंबर और ऑड नंबर में बताना है। इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर जो नंबर जिनके लास्ट में, ठीक है, टू फोर सिक्स एट और जीरो आते हैं वो इवन नंबर, ठीक है, वो नंबर क्या होंगे इवन, जिनके लास्ट में वन थ्री फाइव सेवन और नाइन आएंगे जो नंबर होंगे ऑड नंबर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए थर्टीन लिखा है, थर्टीन के लास्ट में क्या लिखा है थ्री, तो थ्री कौन सा हुआ, थर्टीन कौन सा नंबर हो गया ऑड नंबर, यहाँ पर हम थर्टीन लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है थर्टी फोर, थर्टी फोर लास्ट में क्या आ रहा है फोर, तो फोर कौन कैसा नंबर है इवन नंबर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे थर्टी फोर, ठीक। नेक्स्ट नंबर है ट्वेंटी टू, तो ट्वेंटी टू के लास्ट नंबर में क्या आ रहा है टू, तो टू का अच्छा नंबर है हमारा इवन नंबर है, तो यहाँ पर आप देखते हैं ट्वेंटी टू, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज 156, तो 156 में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है सिक्स, और सिक्स कैसा नंबर है हमारा इवन नंबर है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 156, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज 47, 47 में लास्ट में क्या आ रहा है सेवन, सेवन हमारा कैसा नंबर है ऑड नंबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 47। नाउ नेक्स्ट इज 78, 78 में लास्ट में क्या आ रहा है एट, और एट कैसा नंबर है हमारा इवन नंबर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 78। नाउ नेक्स्ट इज 90, अब 90 में जो लास्ट में क्या आ रहा है जीरो, और जीरो हमारा कैसा नंबर है इवन नंबर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 90। नेक्स्ट इज नंबर 261, लास्ट में क्या है वन, और वन हमारा कैसा नंबर होता है ऑड नंबर होता है, यहाँ लिखिए 261, ओके। नेक्स्ट इज 63, 63 के लास्ट में क्या है थ्री, और थ्री हमारा कैसा नंबर है ऑड नंबर है, यहाँ लिखिए 63, ओके। नेक्स्ट इज 339, लास्ट में क्या है नाइन, नाइन हमारा कैसा नंबर है ऑड नंबर है, यहाँ लिखिए 780 में लास्ट में जीरो है, और जीरो हमारा कैसा नंबर है इवन नंबर है, यहाँ पे लिख दीजिए 780, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 811 में लास्ट में वन है, और वन हमारा कैसा नंबर होता है ऑड नंबर होता है, तो 811। नाउ नेक्स्ट इज 1099 में नाइन कैसा, यहाँ पर नाइन हमारा कैसा है ऑड नंबर है, यहाँ पे लिख दीजिए 1099, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज 2316, इसके लास्ट में सिक्स है, और सिक्स हमारा कैसा है इवन नंबर है, यहाँ पर लिखिए 2316, ओके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट द प्रिडिक्शन एंड द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर, आपको प्रिडिक्शन नंबर लिखना है और सक्सेसर नंबर लिखना है। तो पहले हम समझ लें प्रिडिक्शन नंबर क्या होता है, प्रिडिक्शन नंबर आपने क्लास वन में टू में पढ़ा था बिफोर नंबर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बिफोर नंबर, ठीक है, इसको बिफोर नंबर, ठीक, और सक्सेसर होता है आफ्टर नंबर, ठीक है, आफ्टर नंबर, ठीक। तो आपको बिफोर नंबर लिखना है और आफ्टर नंबर लिखना है, ठीक। तो आप नंबर क्या है ना 591, इसका बिफोर क्या हो जाएगा 590,
ये तो सबको आता है। नेक्स्ट क्या होगा, आपका नंबर क्या होगा, ये होगा सब्सिडियरी नंबर 592। ओके ठीक। नेक्स्ट नंबर है 788, इसका सब प्रिडिक्शन क्या हो जाएगा, 787 है ना, और सब्सिडियरी नंबर क्या हो जाएगा, 789। ओके नाउ नेक्स्ट इज 1101, इसका प्रिडिक्शन नंबर हो जाएगा 1100 ओ है ना, सब्सिडियरी नंबर हो जाएगा 1102 है ना। नाउ नेक्स्ट इज 999, इसका प्रिडिक्शन नंबर हो जाएगा 998 है ना, और सब्सिडियरी नंबर हो जाएगा, मतलब उसमें वन नंबर प्लेस करेंगे तो हो जाएगा 1000। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्म वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके।